आज मैं एक होली स्पेशल स्वीट बना रही हूँ। एक्चुअली ये फ्यूजन वाली स्वीट है, हम बना रहे हैं ठंडाई एंड पिस्ता फज। एक्चुअली ये वाली रेसिपी ना मैंने एक दिन पहले लाइव में बनाई थी और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट की थी, पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि उनका लाइव छूट गया है क्योंकि बहुत ऑड टाइम पे था। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो शुरू करते हैं बनाना ठंडाई एंड पिस्ता फज। बहुत सिंपल रेसिपी है। मैंने यहाँ पे एक बोल लिया हुआ है और ये रेसिपी के लिए आज ना हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं ना ओवन यूज़ कर रहे हैं, तो ये रेसिपी कोई भी बना सकता है। अब मैं ये बोल में ऐड कर रही हूँ 160 ग्राम मैंने कंडेंस मिल्क लिया हुआ है। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। अब मैं ये जो कंडेंस मिल्क मैंने बोल में लिया है इसको मुझे वार्म करना है, गरम नहीं करना है, वार्म करना है। ये काम आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं पर मैं आज डबल बॉयलर पे कर रही हूँ, तो पहले वार्म करके आते हैं। अब ये देखिए पानी हल्का हल्का गरम हो रहा है, बस हमें उबालना नहीं है, गरम ही करना है और कंडेंस मिल्क को हम वार्म करेंगे। अब ये देखिए कंडेंस मिल्क भी हल्का हल्का सा वार्म हो रहा है, बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 325 ग्राम मैंने वाइट चॉकलेट ली हुई है, ये कुकिंग चॉकलेट है, ये हम ऐड कर देंगे। जो स्लैब आता है ना बस वही लिया है बारीक चॉप करके। चॉकलेट को भी मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, बस 5 मिनट में ही ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चॉकलेट भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और कंडेंस मिल्क के साथ मिक्स भी हो गई है। यही टाइम पे मैं ये चॉकलेट बॉयलर से निकाल दूंगी। अब ये जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हुई है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये ठंडाई का मसाला है। ठंडाई मसाला कैसे बनता है ये आप मेरे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने अभी अभी वो वीडियो पोस्ट किया है। तो मैं ये 1 टीस्पून ठंडाई का मसाला ऐड कर देती हूँ और उसके साथ ही ये मेरे पास कुछ चॉप किए हुए पिस्ताचियो है, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली 25-30 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है। जितना पिस्ता ज़्यादा होगा ना ये फज खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगा। और बस कुछ पिस्ता हम रख देंगे गार्निशिंग के लिए और बस सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये फज का बेस तो रेडी है। और सिंपल एक मैं ट्रे ले लेती हूँ और अब फज को हमें सिर्फ सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रे में बटर पेपर लगा दिया है, बटर पेपर लगाने से फज बहुत आसानी से निकल आएगा वरना कभी कभी वो चिपक जाता है। और अब ये फज मिक्सचर को मैं ये ट्रे में सेट करने के लिए रख देती हूँ। अब ये देखिए हमने तो फज ये ट्रे में सेट करने के लिए रख दिया है, अब ऊपर से मैं ये कुछ पिस्ता ऐड कर देती हूँ और ये कुछ सूखी हुई रोज़ पेटल्स है मेरे पास, मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें ना एकदम होली स्पेशल है क्योंकि होली में हम जनरली ठंडाई पीते हैं और गुलाब है, पिस्ता है, ठंडाई मसाला है, ये सारी चीज़ें मैंने फज में ऐड कर दी है और फज बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, तो ये परफेक्ट होली के लिए बनाई हुई स्वीट है। और अब लास्ट में मैं थोड़ा सा एक पिंच जितना सॉल्ट ले लेती हूँ और मैं बस ऊपर ऐसे एक चुटकी जितना सॉल्ट ड्रिजल कर देती हूँ। हमेशा मीठा जब बनाते हैं ना स्पेशली चॉकलेट के साथ, तो मैं एक चुटकी जितना या केक के अंदर हमेशा थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ। सॉल्ट बहुत अच्छे से स्वीटनेस को एनहांस करता है और इससे आपको सॉल्टी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैं ये फज को फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। आपके फ्रिज के कूलिंग पे डिपेंड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आपका फ्रिज का कूलिंग इतना अच्छा नहीं है तो बस ओवरनाइट छोड़ दीजिए, सुबह इसके बहुत अच्छे से पीसेस कट कर पाएंगे आप। ये देखिए 3-4 घंटे हो गए हैं और ये फज बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और अब ये फज को निकालने की कोशिश करते हैं, हल्का सा लूजन अप कर देंगे साइड से भी। और अब ये फज निकाल देते हैं। ये देखिए बटर पेपर लगाने से फज कितनी आसानी से निकल जाता है, वरना ये वाइट चॉकलेट है और कंडेंस मिल्क है ना तो उसकी वजह से ये चिपक जाता है। और अब इसके पीसेस कट करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फज बना है और पिस्ता भी अंदर कितने अच्छे से दिख रहे हैं।
और ट्रस्ट मी ये खाने में अमेजिंग होता है। ये फज का जो टेक्सचर होता है ना, ये एकदम मिल्क कैंडी जैसा होता है, बहुत अमेजिंग लगता है। ये फज बनाने के बाद आपको स्टोर तो फ्रिज में ही करना होता है, पर अगर आप बाहर कुछ घंटे तक रखते हैं तो ये आसानी से रह जाता है, पूरा दिन नहीं रहता है, पर अगर आपको 3-4 घंटे बाहर रखना है तो ये बहुत आसानी से रह जाएगा। उसके बाद एक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं और ये कम से कम 6 से 7 दिन तक बहुत ही अच्छा रहता है। तो लीजिए, तैयार है इस बार की होली को और भी स्पेशल बनाने के लिए ठंडाई एंड पिस्ता फज। वो ठंडाई की फ्लेवर, सौंफ एंड पिस्ता एंड इसे कहते हैं असली वाली होली।